हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट गैजेट्स टीवी। मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में मैं नॉइस की तरफ से आने वाले बर्ड्स VS201 की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूँ। ये जो बर्ड्स हैं अमेजोन पर 3 मंथ्स पहले लॉन्च हुए थे। अभी इसकी रेटिंग है 3.5 स्टार्स अमेजोन पर। इसको मैंने अमेजोन से खरीदा था, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। वहां से जाकर आप चाहे तो इन ईयरबर्ड्स को खरीद भी सकते हो। तो भाई, इस तरह के बॉक्स में मिले हैं हमें ये ईयरबर्ड्स। पैकिंग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसकी। बॉक्स के इस तरफ लिखा है लिसन टू द नॉइस विद इन बोलकर बॉक्स के पीछे इसके बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि इसके अंदर हमें फुल टच कंट्रोल देखने को मिलते हैं, डुअल इक्वलाइजर है, 6mm ड्राइवर्स दिए गए हैं और IPX5 वाटरप्रूफ है। इसके ऊपर यहाँ पर आप इसका प्राइस देखोगे तो गाइस 2999 लिखा है, पर अमेजोन पर अभी आपको ये जो ईयरबड्स है 1300 रुपीस में मिल जाएंगे। तो चलो दोस्तों, बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। तो इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ मैं। तो ऊपर यहाँ पर हमें मिले हैं कुछ इसके डॉक्यूमेंट्स और शायद इसकी यूज़र गाइड भी होगी। तो 3 डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं हमें और यहाँ पर है इसके कुछ स्टिकर्स और ये रही इसकी चार्जिंग केस और यहाँ पे लिखा है नॉइस बोलकर। इसके अंदर हमें 3 कलर्स मिल जाते हैं, एक है ऑलिव, वाइट एंड ग्रीन। मैंने मंगवाया है ऑलिव कलर वाला ईयरबड्स, तो इसको रखते हैं यहाँ पर और क्या है देखते हैं इसके अंदर। और ये है इसका चार्जिंग केबल। इसके साथ हमें टाइप सी केबल मिलता है इन ईयरबड्स को चार्ज करने के लिए। तो इसकी क्वालिटी भी देख लेते हैं गाइस कैसी है। क्वालिटी ठीक ठाक ही है केबल की। इसके साथ एक पैकेट भी मिला है हमें, इसके अंदर शायद इसके कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स है। हमारा जो ईयरबड है उसके ऊपर मीडियम साइज़ के ईयर टिप्स लगे हुए होते हैं, तो यहाँ पर है 2 स्मॉल 2 लार्ज, तो इन्हें रखते हैं यार साइड में। तो गाइस अभी बात करते हैं इस चार्जिंग केस के डिज़ाइन के बारे में। डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगा मेरे को। इस तरह के डिज़ाइन के जो चार्जिंग केस है मैंने आज तक नहीं देखे। बहुत ही ज़्यादा यूनिक सा डिज़ाइन है इसका और यहाँ पे लिखा है नॉइस बोलकर। पीछे की तरफ यहाँ पर है इसका चार्जिंग पोर्ट, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है। यहाँ पर हमें एक LED इंडिकेटर भी मिल जाता है ताकि हम देख सकें ये चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो नीचे यहाँ पे लिखा है इसके अंदर 300mAh की बैटरी दी गई है। तो इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। तो ओपन करने के बाद इस तरह के हमें ईयरबड्स देखने को मिल रहे हैं। अभी ये जो ईयरबड्स हैं यहाँ पे चार्ज हो रहे हैं। तो यहाँ पे दिया गया है लेफ्ट वाला ईयरबड यहाँ पे रखेंगे हम, राइट वाला ईयरबड जो है यहाँ पे रखेंगे। और इसका ये जो हिंज है उतना खास लगा नहीं गाइस मेरे को। ये जो ऊपर वाला कैप है डिसेंट सी क्वालिटी है इसकी। तो चलो अभी हमारे ईयरबड्स को निकाल लेते हैं यहाँ से। ये पूरी तरीके से मैग्नेटिक है और यहाँ पे इसके चार्जिंग कनेक्टर्स इन ईयरबड्स को चार्ज करने के लिए। तो अभी बात करते हैं इन ईयरबड्स के डिज़ाइन के बारे में। ये जो ईयरबड्स है फुल टच कंट्रोल्स के साथ आ जाते हैं, यानी कि आप इसे डबल टैप करके आप सॉन्ग्स को जो है नेक्स्ट कर सकते हो, बैक कर सकते हो, या फिर इसके वॉइस असिस्टेंट को भी आप चाहे तो एक्टिवेट कर सकते हो टच कंट्रोल्स यूज करके। तो यहाँ पर एक LED इंडिकेटर दिया हुआ है और इस तरफ माइक्रोफोन है और यहाँ पर भी शायद ये माइक्रोफोन होगा। यहाँ पे इसके चार्जिंग कनेक्टर्स, यहाँ पे लिखा है कौन से ईयर में लगाना है। यह लेफ्ट ईयर वाला ईयरबड है। यह इसका ईयर टिप, इसको निकाल के भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसका डिज़ाइन किस तरह का है अंदर से। तो यहाँ पर एक मेश भी लगा हुआ है। तो ये जो ईयर टिप्स है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है गाइस। तो ओवरऑल दोस्तों इसका जो डिज़ाइन है मेरे को काफ़ी ज़्यादा मस्त लगा और देखने में भी ये जो ईयरबड्स हैं काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के नज़र आते हैं। तो भी बात करते हैं इन ईयरबड्स के ऑडियो क्वालिटी के बारे में। इसके अंदर हमें 6mm के ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, इस वजह से इसके अंदर जो बेस आता है काफ़ी ज़्यादा थम्पी सा बेस देखने को मिलता है। ट्रेबल भी ठीक ठाक ही मिल जाता है। और इसके अंदर सबसे खास चीज़ मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर हमें डुअल इक्वलाइजर मोड भी देखने को मिल जाता है, इस वजह से जो बेस आता है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार बेस सुनने को मिलता है इन ईयरबड्स के अंदर। तो अगर इसकी कॉल क्वालिटी के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसकी कॉल क्वालिटी जो है उतनी खास है नहीं। सामने वाला जब आपसे बात करता है तो सामने वाले की जो आवाज़ है आपको बिल्कुल सही सुनाई देती है, पर आप जो बात करते हो इन ईयरबड्स को यूज़ करके सामने वाले को जो है आवाज़ उतनी खास आती नहीं है। और एक चीज़ इनको यूज़ करके मैंने गेमिंग वगैरह भी करके देखी है, लेटेंसी में बिल्कुल भी कोई भी गैप वगैरह देखने को नहीं मिलता है। काफ़ी अच्छी तरीके से मोबाइल से ये जो ईयरबड्स है सिंक हो जाते हैं। इसके अंदर ब्लूटूथ वर्जन 5.0 दिया गया है और ये जो ईयरबड्स है पूरी तरीके से IPX5 वाटरप्रूफ है, यानी कि अगर आप जिम वगैरह करते हो इन्हें यूज़ करके आपको स्वेट वगैरह भी आता है तो बिल्कुल भी ख़राब होने के चांसेस नहीं है ये ईयरबड्स। और जहाँ तक इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो इस बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है।
मेरे को ये जो ईयरबड्स है काफ़ी ज़्यादा पसंद आए इस प्राइस रेंज के हिसाब से। इसकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मस्त है। अगर आप इन्हें यूज़ करके सॉन्ग्स वगैरह मूवीज़ वगैरह भी देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा मस्त साउंड एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। पर कॉल क्वालिटी जो है इसकी मेरे को उतनी खास लगी नहीं गई, पर इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये जो ईयरबड है काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट लगे मेरे को। तो दोस्तों अगर आप ये ईयरबड्स खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप चाहे तो इन ईयरबड्स को खरीद भी सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे होती है एंड, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार गैजेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।